फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन स्टेनो क्लासेस। मेरा नाम है पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। फ्रेंड्स आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ लार्ज सर्कल ऑफ SW, SS एंड SZ। हमने लास्ट क्लासेस में बताया था कि SOZ का एक सर्कल यूज करते हैं, लेकिन अब एक बड़ा सर्कल यूज किया जाता है SW, SS और SZ के लिए। तो इसी के बारे में हम करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि जो आपने रूल मैंने जो आपको पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया था SZ के बारे में सर्कल जो था, उसी रूल के अकॉर्डिंग उसी के नियम के अकॉर्डिंग ही SW, SS और SZ का सर्कल लगाना है। उसमें मैं बता चुकी हूँ लेफ्ट मोशन राइट मोशन आपने कब यूज करनी है। तो अब बात करते हैं कि ये सर्कल आपने कैसे यूज करनी है। तो देखिये जो स्टार्टिंग में जो सर्कल होता है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में वो SW का होगा और बीच में या लास्ट में वो SZ और SS का होगा। स्टार्टिंग में ये दोनों नहीं हो सकते हैं और बीच या लास्ट के अंदर SW का सर्कल नहीं हो सकता है। जैसे हमने लिखा था सम, छोटा सर्कल यूज किया था, लेकिन अब लिखा मैंने स्विम, SW इकट्ठा आता है, तो उसके लिए आप इस सर्कल को बड़ा यूज करोगे। इसे डबल लेंथ में आपने बनाना है। हमने लिखा स्वीट, ये सर्कल जो है वो बड़ा, ये था स्टार्टिंग में। लेकिन अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है, अंत में आता है, हमने लिखा बेस, बेसिस, एस और एस दोनों ही खट्टी साउंड आती हैं, तो इसके अंदर आप ये सर्कल जो है वो बड़ा यूज करोगे। लेकिन कुछ वर्ड्स के अंदर डिफरेंस दिखाने के लिए एक वर्ड हमारे पास ये भी होता है, बेसिस जिसको बोलते हैं, इसमें ये ई आएगा या आई की साउंड आएगी, ई की साउंड आएगी, उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें एक डॉट लगाना सर्कल के बीच में, उससे हमें पता चलेगा एस और एस के बीच में ई आता है तो वो आप लगा सकते हो। हमने एक वर्ड लिखा एग्जिस्ट, इसमें भी आप देख रहे हो, और एक वर्ड लिखा एग्जॉस्ट, एग्जिस्ट के अंदर ई वर्ड आता है तो उसके लिए आप बड़े सर्कल जो आप लगाओगे उसके अंदर आप डॉट यूज करोगे, और एग्जॉस्ट औ की जो साउंड ये देता है तो उसमें आप डैश यूज करोगे। ये डिफरेंस था दोनों में। दोनों जो SZ जो है उसके बीच में डिप्थोंग्स भी आ सकते हैं, जैसे एक्सेल, एक्सरसाइज, एस और जेड में आप देख रहे हो आई की साउंड आती है तो आई के लिए जो डिप्थोंग्स का साइन था आई आप वो यूज करोगे। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं, हम लिखते हैं पॉलिसी, मैं लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ पॉलिसी एस के बाद वोवल जब आता है तो एस पूरा बनता है, तो ऐसे ही वर्ड को जब हम प्लूरल सेंस में यूज करते हैं पॉलिसीज, तो आप इसमें एस और एस जो ये इकट्ठा आया है इसके लिए आप लार्ज सर्कल यूज नहीं करोगे, उसके अंदर ये कंप्लीट एस का जो स्ट्रोक है वो ही यूज होगा, इसमें आप बड़ा सर्कल यूज नहीं करोगे। ऐसे ही कुछ वर्ड्स, एक जैसे वर्ड्स सिमिलर वर्ड्स होते हैं उसमें भी डिफरेंस दिखाने के लिए हम लिखते हैं प्योजिस और एक वर्ड लिखते हैं पजेस। जो ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं उसके अंदर आप बड़ा सर्कल लगाते हो, लेकिन कुछ जो इस तरह के वर्ड्स हैं दोनों में डिफरेंस लगाने के लिए आप इसके अंदर एस का जो है सर्कल, एक छोटा सर्कल और दूसरा जो स्ट्रोक एस यूज करोगे, दोनों के अंदर ऐसे आप बड़ा सर्कल नहीं लगा सकते हो। एक वर्ड और देख लीजिए, रेसिस और रिसेस, इसमें भी ऐसे बड़ा सर्कल आपने यूज किया, लेकिन रिसेस जो है उसके अंदर फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड जो है उसके लिए आप सर्कल यूज करोगे। तो फ्रेंड्स ये था टॉपिक लार्ज सर्कल ऑफ SW, SS एंड SZ का। तो आगे की वीडियोस आप देखते रहिए, बने रहिए स्टेनो क्लासेस पे। तब तक के लिए जय हिंद।